राष्ट्रीय प्रतीक में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल बर्ड? पीकॉक, ये इजी है, पता है। व्हेन वाज पीकॉक डिक्लेयर एज ए नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? अब इसको याद रखने के लिए पहले तो ये जान ले कि उत्तर क्या है। उत्तर ये वाला है, लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको मैंने पी का ये बना लिया, एफ के फेब है, और ये कॉक का सी सी जो आता है, सी सी, इसको तीन मान लिया कि 63 पीछे आता है, तीन पीछे आता है। इतनी आइडेंटिफिकेशन से भी आंसर क्लियर हो जाता है। साथ में हिंदी में करना है तो ये वैसे मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है, सेम चलेगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस प्रजाति से है? जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, तो ये हो गया पीकॉक। पी, अब पी को मैं जो मेन क्वेश्चन होता है उसी में से कुछ उठा के उसके साथ जोड़ देता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है कि किस प्रजाति से है, तो वहाँ भी पीकॉक पी उठाएंगे, यहाँ पी मैंने उठाया यहाँ से, और पी को पावो के साथ जोड़ दिया, क्योंकि राइट आंसर ये है, पावो क्रिस्टेटस। ये दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, आगे चल के क्वेश्चन आ जाएगा। तो साइंटिफिक नाम भी यही है, पीकॉक पावो क्राइस्टेटस। इतना इंडिकेशन साथ में मिल जाए। हाँ, अगर ये पी से पे ये जुड़ता है तो आप पावो, पीकॉक, पीकॉक के सिर पर, पीकॉक के सिर पर कलगी नहीं कुछ पावो, ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर डज द पीकॉक रिप्रेजेंट? इसमें क्या है, स्ट्रेंथ, पावर, विजडम, नॉलेज, यूनिटी इन विविड कलर्स? तो यूनिटी ये वाली बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीकॉक जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पावो, है ना, आ गया क्राइस्टेटस, ये बात हो चुकी है। नेशनल एक्वा होता है पानी, है ना, जलीय एनिमल जो है। व्हाट इज़ द नेशनल, ये बात हो चुकी है कि डॉल्फिन है, गंगा रिवर डॉल्फिन। विच सिटी एनिमल ऑफ इंडिया इज़ आल्सो द गंगा रिवर डॉल्फिन? कौन सी सिटी में, हिंदी में ये देख ले यहाँ पर, भारत का कौन सा शहरी पशु गंगा नदी डॉल्फिन भी है? उस सिटी का नाम बताना है। वापस चलते हैं यहाँ पर, और राइट आंसर हमें, राइट आंसर है गोवा। व्हेन वाज गंगा रिवर डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर है, ये थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन याद करने के लिए पी का हमने क्या किया, पी का एफ बना लिया था, फरवरी हो गया था, और दो बार वो आता था, ऐसे ऐसे आता था, सी सी, उसको तीन बना लिया था, ऐसे ही डॉल्फिन का ओ उठाया और अक्टूबर के पास हम ले गए। अब 2009 है, आप ऐसे ही याद रख सकते हो के अक्टूबर याद रहा, पांच डॉल्फिन हैं, पांच डॉल्फिन, है ना, पांच अक्टूबर 2009 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंगा रिवर डॉल्फिन इज ट्रू? इट इज कॉमनली फाउंड इन ओशियन, नो, ब्यास में भी है, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर साल्ट वाटर, नो, नोन फॉर लॉन्ग शार्प टी, नो, इट इज़ प्राइमरी फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर। व्हाट इज़ द प्राइमरी थ्रेट टू पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन, कौन सी है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पल्यूशन, नॉर्मल आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेशनल हेरिटेज, ये कल भी किया था, हेरिटेज एलिफेंट, एच एच मिलता है, एच को हमने याद रखा था, इसके साथ जोड़ा था। व्हेन वाज द इंडियन एलिफेंट डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? तो इसके याद रखने के लिए इजी रखा है, ये दो बार आता है, ये दो बार, है ना, तो 22 को याद रखना है, 22, ऐसे भी कर सकते हैं, 2010 को। हाउ मैनी एलिफेंट आर एस्टिमेटेड टू बी इन इंडिया? 29, इंटरेस्टिंग, 1000 के करीब हैं, टाइगर तो पता नहीं बचे नहीं हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द एलिफेंट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन हेरिटेज?
तो हेरिटेज का पहले ही कर चुके हैं, नेशनल ट्रायर भी नहीं, एलएमबी नहीं, हेरिटेज ये हो चुका है, रिपीट है एक तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या है, नेशनल ट्री बनाना पर नेक्स्ट जो बन रहे हैं, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री इन इंडिया, तो याद रखने के लिए बनियाना ये बनियांगा भेंगा भेंगा लिख दिया है ना, तो हिंदी में याद रखना शायद आसान होगा कि बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ जो है बरगद से बे याद है, फीका होता है, पत्ते उसके फीके होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेशनल सॉन्ग पर इम्पॉर्टेंट बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसका कोई भी सॉन्ग वर्ड का कोई भी इसके साथ मैच नहीं करता, ये भी एक एसोसिएशन है, इतना भी याद रहे तो। हु ओरिजिनली रोट द पोएम वंदे मातरम, याद रखने के लिए इजी है, वंदे का वी है ध्वनि, इसका बी बना लेना है, बिक्रम चंद्र चटर्जी, तो ये नाम तो सुना होगा बिक्रम है ना, तो वी के वी से यू जोड़ लेना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े डिफ़िकल्ट बन रहे हैं, इन विच ईयर वाज द पोएम वंदे मातरम फर्स्ट संग ड्यूरिंग द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, कब गाया गया था, तो ये 96 है याद रखने के लिए, 1800, तो इसका वंदे का डी को आप उल्टा कर सकते हो कि 6 है, हाँ इसको उल्टा कर सकते हो कि 9 है, हाँ तो ये 1900 में तो होगा ही नहीं, 1800 में ही बनेगा, ए इतनी प्रोसेस को याद रखोगे तो ये भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट है विच नावल ओरिजिनली कंटेन द पोएम वंदे मातरम, वंदे मातरम कविता का मूल रूप में किस उपन्यास में थी, तो वंदे मातरम यहाँ से मा आ आ उठाना है आनंद मठ, और इंग्लिश में हमने ए को ही उठाना है याद रखने के लिए, ये रहा वंदे ए, यहाँ वी का बी बनाया था, ए का आनंद के साथ जोड़ दिया मठ, डी को जोड़ा था कहाँ पर कि इसका 6 बना लेना है, ऊपर 9 बना लेना है, 18 आ जाना है, इतने में ये फर्स्ट टाइम गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वंदे मातरम ऑफिशियली अंडरलाइंड है अडॉप्टेड एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन डिफ़िकल्ट है, ऑफिशियली का तो याद रखा, जब ऑफिशियली है तो इसकी 50 बना लिया कि 50 में 1950 में, और ऑफिशियली का आई का बना लिया कि फर्स्ट जनवरी बन गया, फर्स्ट मंथ है ना, 24 याद रखना पड़ेगा आपको। हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम इन संस्कृत, अब संस्कृत में पूछा गया है, तो ये भी आंसर बिक्रम चंद्र चटर्जी ही रहेगा। विच इंडियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर वंदे मातरम शैल हैव इक्वल स्टेटस विद द नेशनल एंथम, तो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छा डी के साथ भी जोड़ सकते हैं, वो डॉक्टर थे कौन से जो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहाँ ऐसे जोड़ सकते हो, जो प्रसाद है दोनों को मिलने का प्रसाद, कि दोनों इक्वल हैं, कौन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये इसका प्रसाद किसने दिया, तो प्रसाद शब्द से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद आ जाएंगे। इन विच लैंग्वेज वाज वंदे मातरम ओरिजिनली रिटन, तो वेरी ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे वी से बनाया था बिक्रम चंद्र चटर्जी, वैसे ही बी से बंगाली। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन वंदे मातरम वाज संग, तो अभी बात की कि वंदे जो वंदे मातरम की डी को हमने 6 भी बनाया था ऐसे भी और 18 लिखा था, तो ये 1896 यहाँ राइट आंसर है, सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अब कांग्रेस पार्टी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन है हमारे पास विच फेमस पोएट एंड नॉबल लिटरेट फर्स्ट सैंग वंदे मातरम पब्लिकली, अब है के पब्लिकली, साथ में क्या है कि नॉबल है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, इतना भी आप याद रख सकते हो, दूसरा है कि पब्लिकली बोला गया है, तो ऐसे कर लो पब्लिकली से पब्लिसिटी किया और टी से टैगोर जी को याद रख लो, इतनी बात है। नेक्स्ट है
ये रहा व्हाट डज वंदे मातरम ट्रांसलेट टू इंग्लिश में, उसका क्या मीनिंग है ना। मदर आई बो टू यू हिंदी में ये ज़रूर देख लेना चाहिए। वंदे मातरम को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हे माँ तुम्हें मेरा नमस्कार, माँ तुझे सलाम। गाना सुना होगा ना, वंदे मातरम। चलो भाई, विच इंडियन नेशनल लीडर पॉपुलराइज वंदे मातरम ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, किसने किया। तो देखो कितने ये बार बार क्या बन रहा है, वी को यूज़ किया था हमने बिकिम चंद्र चटर्जी के लिए सबसे पहले, है ना, पहली बी, दूसरी बी यूज़ की थी बंगाली, तीसरी हो गई बोस, है ना, वो वहाँ टैगोर थे, पब्लिकली गाया था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। बोस याद रखना है, काफ़ी है, किसके लिए, जिन्होंने पॉपुलराइज़ किया। व्हाट रोल डिड वंदे मातरम प्ले इन स्वदेशी मूवमेंट, इट वॉज संग ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशन, इट वॉज यूज एज कोड लैंग्वेज बाय रेवोल्यूशनिस्ट, इट वॉज प्रिंटेड ऑन बायकॉट मटीरियल, ऑल ऑफ अबव। हिंदी में देखना ज़रूरी है, भारतीय संदर्भ, अच्छा ये हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन के वंदे मातरम क्या भूमिका है, इसे विरोध प्रदर्शन के लिए यूज़ किया जाता था, इसका उपयोग क्रांतिकारियों द्वारा एक कोड भाषा के रूप में किया जाता है, यह बहिष्कार सामग्री पर मुद्रित किया जाता था, उपरोक्त सभी रा, सभी उपरोक्त सभी शामिल है। वंदे मातरम के किस छंद को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है, पहला छंद को अपनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधेना, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, वो जन गण मन हो गया, है ना, वो उस सिचुएशन में चले जो याद आ जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, वो तो उनकी तो बिकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और इनकी किसने की, इन विच लैंग्वेज वाज द नेशनल एंथम ओरिजिनली रिटन, तो बंगाली, देखो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हो, बंगाली बीच में आती है, वो किसके बेस पर होता है, जिसका रिच कल्चर है, रिच लिटरेचर है, तो लिटरेचर में बार बार बंगाली शब्द आ रहा है, ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हो जब आपको आंसर मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑफिशियली, वहाँ ऑफिशियली किया था, हाँ एफ से 50, है ना, तो यहाँ आई से की कर लिया था 1 जनवरी को, है ना, ऐसे याद किया था, यहाँ भी याद करते हैं। अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो यहाँ भी ये याद रखना है, ये तो वही है, क्वेश्चन ही रिपीट है, देखिए वहाँ से याद आ गया, ऑफिशियली का 50 याद रखा है, इसका 1 जनवरी याद रखा है, और ये बाकी 24 याद रखा था, ऐसे करके। नेक्स्ट चलते हैं, When was national anthem of India first sung? अच्छा, anthem का जो first है वो first दो बार है, बस 1911 में first time ये गाया गया था। How many sentences does to complete a song national anthem have? कितने थे, 6 or 5 or 4 or 3, 5। ये easy है। Which sentence of the national anthem contain the full version of दी वर्जन, जो फर्स्ट सेंटेंजा ही आंसर इसका रहेगा, पहले और तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ जन गण मन, हिंदी में जानना ज़रूरी है कि जन गण मन का अर्थ क्या है, ये रहा, इससे आगे वाला है, जन मन गण का अर्थ क्या है, राष्ट्र की स्तुति करो, लोगों की जीत, अनेकता में एकता, भारत का भाग्य विधाता, है ना, भारत भाग्य विधाता, ये आपको याद आ जाएगा अब कि राइट आंसर कौन सा है। इन विच सिटी वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग, कहाँ पर, कोलकाता में, बंगाली से कोलकाता में को जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ के भी याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो एसोसिएटेड थे, थर्ड पार्ट भी होगा। थैंक यू डॉक्टर पीरस इंग्लैंड।